Hello, Bachelor. Let's read the question. If 10,000 calorie of heat is added to 4 mole of a monatomic gas without changing its volume, then change in the temperature of the gas is okay. So question देखा है 10,000 calorie of heat हमने add किया to 4 mole of a monatomic gas, ठीक है? तो कितनी heat add की है? 10,000 calorie, ठीक है? Number of moles हमें कितने रखे हैं? 4 mole, ठीक है? मोनोटोमिक गैस रखी है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम. अब देखो जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगी फॉर मोनोटोमिक गैस, दैट वुड बी 3/2 R, ठीक है. तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू में आर की वैल्यू 8.31, ठीक है. आर किसके इक्वल होगा आपके पास? जूल पर मोल पर कैलविन, ठीक है. तो यहाँ से ये जूल पर मोल पर कैलविन है, ठीक है. इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं. इसको सोल्व करोगे आपके पास ये आएगा 2.98 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकती हूँ 3 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी, ठीक है. मुझे निकालना क्या, चेंज इन टेम्परेचर. अब देखो डेल्टा क्यू दैट वुड बी इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, राइट. एन आपको नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है? 4 मोल्स के इक्वल. सी वी की वाली आपने निकाली है कितनी? 3 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी. और डेल्टा क्यू आपको दे रखा है 10,000, ठीक है. और डेल्टा टी आपको फाइंड आउट ही करना है. तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10,000 डिवाइड बाई 12. इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 833.33 केल्विन, ठीक है. तो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 833 केल्विन, ठीक है. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.